हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व निश्चित नहीं हो सकता। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आपका दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ग्रीक की सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकुर्दा, वाड़ावली, लोथल, कालीबंगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकुर्दा में मिले थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो जो कालीबंगन है वह किस प्रदेश में स्थित है? तो याद रखना, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो याद रखना, कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यावावर, खानाबदोश या जनजाति? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चोहंदड़ी, लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर है लोथल। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो था वो चार वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। याद रखना। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनना है। तो याद रखना, जो दो में दिया है, दो ऑप्शन में दिया है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये करेक्ट है। बाकी पहला और तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935,
1942, 1901, 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी सही है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो साथियों, यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।